हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ फेस शेविंग के ऊपर बात करने वाली हूँ कि बेसिकली वुमेंस के लिए शेव करना बेनिफिशियल है भी या नहीं, और शेव करने से उनकी स्किन पे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या उनको क्या क्या हार्म हो सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो फीमेल फेस शेविंग है आज के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एज वेल एज़ पॉपुलर है, और बहुत सारी वुमेन इस टेक्निक को यूज़ भी कर रही हैं। इवन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस रिगार्डिंग। तो सो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की कि फेस शेविंग से आपकी स्किन में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो वो ये है कि जब आप फेस शेविंग करते हैं ना, तो वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देता है, जिसके बाद अब अगर कोई भी मेकअप वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाएगा। अब अगर दूसरे बेनिफिट की बात करें तो वो ये है कि जब भी आप फेस शेविंग करते हैं वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन से जो भी डेड स्किन की लेयर है ना, वो सारी रिमूव हो जाती है। अब हम बात करें थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट की, वो ये है कि फेस शेविंग के बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है और आपकी डीप डाउन लेयर्स में चला जाता है। सो अब हम बात कर लेते हैं फेस शेविंग के कॉन्स की। बेसिकली जो फर्स्ट इसका मुझे लगता है जो कॉन है, बहुत ही मेजर कॉन है, वो ये है कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है तो ये आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर सकता है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि जब भी आप फेस शेविंग करते हैं ये आपकी स्किन पे इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो ये है कि अगर आप फेस शेविंग करते हैं तो आपकी स्किन पे जो हेयर्स आएंगे ना उसके बाद, वो काफ़ी ज़्यादा थिक आते हैं। वैसे बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे जिसमें कहा जाता है कि जो हेयर्स आते हैं वो वैसे ही आते हैं जो पहले जैसे आपके स्किन पे हेयर्स थे, बट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उसके बाद हेयर्स आते हैं ना फेस शेविंग के बाद, वो पहले के कंपैरिजन में थोड़े से हार्ड होते हैं, वो उतने ज़्यादा स्मूथ हेयर्स नहीं होते। इवन उनकी जो मतलब अपीयरेंस होती वो भी काफी ज्यादा हार्श होती है। सो आप इस चीज को भी जरूर नोटिस करें। सो अगर हम एट द एंड बात करें तो फेस शेविंग के भी प्रोज भी हैं एज वेल एज इसके कॉन्स भी हैं, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजों के होते हैं। सो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर आप इस टेक्निक को यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर मैं अपनी पर्सनल सजेशन की बात करूं तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपकी स्किन पे हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन पे बहुत कम हेयर्स की ग्रोथ है या आपकी फेशियल जो हेयर्स हैं वो बहुत कम आते हैं, तो आप इस टेक्निक को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं यूज़ करना चाहते। एंड इसके साथ ही हम वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एज वेल एज मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी ज़रूर करें। और मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।